फ्रेंड्स, आलू एक वर्सेटाइल सब्जी है और कई कॉम्बिनेशंस में और कई तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। आज हम बनाने वाले हैं इसकी एक सूखी सब्जी, एक चटपटी मज़ेदार सब्जी, और इस सब्जी का नाम है अचारी आलू। गर्मी के बिल्कुल अनुरूप है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है। या पूरी के साथ खाइए, या चावल के साथ, या पराठे के साथ। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं इसकी रेसिपी को। एक पैन में हम लेंगे एक छोटा चम्मच खड़ा धनिया, एक छोटा चम्मच मोटी सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई, एक चौथाई छोटा चम्मच मेथी, 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 2 खड़ी लाल मिर्चें। अब हीट ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को हमें रोस्ट करना है। आप देख रहे होंगे ये वही सारे मसाले हैं जो हम अचार में डालते हैं, तो इन्हें हमें रोस्ट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बस जीरा सौंफ तड़कने लग जाए और इसे सोंधी सोंधी खुशबू आने लग जाए, उतनी ही देर तक इसे रोस्ट करना है, और वो भी मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे रोस्ट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए ये रोस्ट हो चुका है, ज़ीरा और सौंफ तड़कने लग गए हैं और सोंधी सोंधी खुशबू भी आने लग गई है, तो हीट को ऑफ कर देंगे, लेकिन इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी गर्म है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसे भी गरम होने देंगे। इसमें हमें बघार डालना है और वो भी अचारी। तो ये है वो बघार, हींग, राई, मोटी सौंफ, जीरा, अजवाइन, कलौंजी यानी मंगरेला और मेथी। ये सभी बराबर मात्रा में हैं, यानी कि सभी 1/4 चम्मच है। इनमें से राई, सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी से हम बनाते हैं पंचफोरन। कहीं कहीं पे अजवाइन की जगह हम मंगरेला यानी कि कलौंजी भी डालते हैं पंचफोरन में। पंचफोरन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे उबले आलू। ये मैंने 5 आलू उबाल लिए थे और उससे छीलकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इसे डाल करके हमें थोड़ी देर भूनना है, करीब 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। और थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, इसे भी मिला लेंगे। जब हल्दी थोड़ी देर भून जाए और आलू पे लिपट जाए तो हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, जैसे कि काला नमक, चूंकि हम अचार में काला नमक भी डालते हैं। आप चाहें तो सादा नमक डाल लें, और नमक के साथ भी हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हमने तीखी वाली मिर्च भी मसाले में डाली हुई है, इसीलिए यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। तो इन सभी को डाल के थोड़ा थोड़ा भून रहे हैं ताकि ये करारे बने। अब मिर्च के साथ भी थोड़ी देर भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ मसाला जो हमने भूना था और पीस लिया था। तो इसमें से हम 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ मसाला डालेंगे इसमें। ये सारा अचारी मसाला है, और ये है अमचूर जो कि 1/2 चम्मच मैंने लिया है। आप अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमने मसाले डाले ये सारे अचार में इस्तेमाल होते हैं। और आप देखिए आलू का रंग कितना बढ़िया आया है। बस इसे थोड़ी देर भूनना है ताकि ये कुरकुरे हो जाएँ, करारे हो जाएँ, और हमारा ये तैयार हो गया अचारी आलू। बहुत इजी रेसिपी है, पूरी, पराठे या चावल दाल सभी के साथ अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करके देखिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगर बनाने के बाद अच्छी बने तो इसे शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।